हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रोडक्ट है मिनी ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि मोबाइल फ़ोन और कैमरा दोनों के ही लिए यूज़ किया जा सकता है। यह प्रोडक्ट काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसकी परचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इसका वज़न तकरीबन 500 ग्राम का होता है। इसकी जो हाइट है वो अनफोल्डेड कंडीशन में तकरीबन 21 सेंटीमीटर्स की होती है, लेकिन जब आप इसकी ट्राईपॉड हाइट देखते हैं तो वो तकरीबन 18.5 सेंटीमीटर की होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे एज अ सेल्फी स्टिक यूज़ करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 21 सेंटीमीटर तक होगी, लेकिन जब आप इसे एज अ ट्राईपॉड स्टैंड यूज़ करेंगे तो ये आपको 18.5 सेंटीमीटर की हाइट देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना ज़्यादा वक्त लिए इसके बॉक्स को भी खोलकर देख लेंगे। बॉक्स खोलने पर सामने ही आ जाता है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। साथ ही में आ जाता है इसका मोबाइल होल्डर, जिसे यूज़ करके आप इस पर मोबाइल को अटैच कर सकेंगे। दोस्तों, इसका जो ट्राइपॉड स्टैंड है, इसे बनाने के लिए बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ की जाती है, और जो मोबाइल होल्डर होता है उसे स्प्रिंग लोडेड बनाया जाता है ताकि वो किसी भी साइज़ के मोबाइल को होल्ड कर सके। दोस्तों, अगर आप इस ट्राइपॉड स्टैंड को मोबाइल के साथ यूज़ करने वाले हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये मोबाइल होल्डर आपको बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप इस मोबाइल होल्डर को कैमरे के साथ यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ आपको इस मोबाइल होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके ट्राइपॉड स्टैंड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्राइपॉड स्टैंड पूरा ही प्लास्टिक मटेरियल में बनाया गया है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक रबर का बेस होता है सर्कुलर टाइप में, जिसके ऊपर कि आपका कैमरा होल्ड होता है, या कि आपका जो मोबाइल होल्डर होता है वो भी इसी के ऊपर सपोर्ट लेता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसके जो तीन लेग्स होते हैं, आपको जब भी इसे ट्राइपॉड की तरह यूज़ करना है तो आपको इन तीनों लेग्स को खोलना होगा। ये तीनों लेग्स एक सेम ही एंगल पर रुकते हैं आके, जिस वजह से आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्टैंड मिल जाता है। दोस्तों, इसके जो ऊपर की तरफ सर्कुलर बेस दिया गया है, जिसके ऊपर कि आपका कैमरा रुकने वाला है, उस बेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लोडेड स्विच दिया जाता है। इस स्विच को जब आप राइट साइड में खींचते हैं तो इसका जो जो बेस है ऊपर का, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी स्विच को छोड़ देते हैं, ये वापस से लॉक कंडीशन में आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इस ट्राइपॉड स्टैंड को आप कैमरे के साथ नहीं तो मोबाइल स्टैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल स्टैंड के साथ यूज़ करने के लिए आपको इसका जो मोबाइल होल्डर है उसे आपको इसे कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो मोबाइल होल्डर है उसे ट्राइपॉड स्टैंड से कनेक्ट करने के लिए एक थ्रेडेड पोर्शन, या आप कह सकते हैं एक बोल्ट तरीके का सेक्शन होता है, जिसके ऊपर आपको इसे बस टर्न करके टाइट कर देना है। तो अब हमारा ट्राइपॉड स्टैंड रेडी है। हम इसके ऊपर अपने मोबाइल को भी अटैच कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका जो मोबाइल होल्डर है वो स्प्रिंग लोडेड होता है ताकि वो हर तरीके के, हर साइज़ के मोबाइल को एडजस्ट कर सके। दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल को इस मोबाइल होल्डर पर अटैच कर रहे हो, उस वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल की जो स्विचेस है, जो वॉल्यूम रॉकर्स है, या जो पावर बटन है, वो इसके मोबाइल होल्डर में फंस ना जाए। कोशिश ये करिएगा कि इस मोबाइल होल्डर के एक तरफा सारे स्विचेस हो, ताकि आपको ऑपरेट करने में ईजी हो जब भी आप इस स्टैंड को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हो। तो अब हमारा मोबाइल होल्डर पर अटैच हो गया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मोबाइल होल्डर और मोबाइल के बीच में गैप ना हो। अगर कोई भी गैप है तो आपको मोबाइल को बैक साइड में पुश करना है ताकि वो गैप निकल जाए। तो अब हमारा जो मोबाइल है वो अच्छी तरीके से मोबाइल होल्डर में फिक्स हो गया है, और हमारा ट्राइपॉड स्टैंड रेडी है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। तो दोस्तों, अब हमने मोबाइल को मोबाइल स्टैंड पर अच्छे से फिक्स कर दिया है। हमने इसके एंगल को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब हम कैमरा चालू करके आगे भी इसे यूज़ करके देख लेते हैं। तो अब हमारा ट्राइपॉड स्टैंड विथ कैमरा बराबर सेटअप हो गया है। आप जैसे चाहे वैसे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपने इसके तीनों लेग्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अनफोल्ड कर दिया है। तीनों लेग्स को अनफोल्ड करने के बाद आप इसे एज अ सेल्फी स्टिक यूज़ कर सकते हैं।
एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक के जैसे ये आपको लंबी डिस्टेंस तो नहीं देता। सेल्फी स्टिक में इसकी जो लेंथ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तकरीबन 21 सेंटीमीटर की है, तो बहुत ज़्यादा ये आपको सेल्फी स्टिक वाले फीचर्स तो नहीं दे पाएगा। लेकिन जैसे कि इसका नाम है, ये मिनी ट्राइपॉड स्टैंड है, जो कि आपके सिंपल कामों के लिए या सिंपल फोटोग्राफीज़ के लिए काम आता है, या अगर आप इंडोर फोटोग्राफी या फोटो कुछ वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये काफ़ी काम आ सकता है आपको। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टैंड हमको एक बढ़िया सी ग्रिप दे रहा है, जिस वजह से हम अपने कैमरा को कहीं भी मूव कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना इजीली मैं इस बॉक्स का फ़ोटो ले पा रहा हूँ, या मैं अगर मैं चाहूँ तो किसी भी चीज़ का इजीली वीडियोस बना सकता हूँ। अगर मैं सेम कैमरे को डायरेक्ट हाथ से पकड़ता हूँ तो उस वक्त कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आती है, लेकिन स्टैंड को यूज़ करने की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल रहा है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सिर्फ रियर कैमरा ही यूज़ करके आपको इस प्रोडक्ट का डेमो दिया है, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप चाहे तो फ्रंट कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं। आप सेल्फी लेना चाहते हैं, या अगर आप टिकटॉक वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। प्लस इसका जो छोटा साइज़ है, इस वजह से आप इसे ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप इसे अपने बैग में डाल सकते हैं, या आप इसे बस हाथ में भी लेकर चल सकते हैं। ये ईजी टू कैरी डिवाइस है। दोस्तों, ये डिवाइस मुझे बहुत ही पसंद आया, खास करके इसका जो सेल्फ़ी वाला फीचर है, उस वजह से ये मुझे बहुत ही काम में आ रहा है। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो मैं इसे अपने साथ में ही ले जाता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको किसी तरीके की क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, या डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया सी प्रोडक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।